हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोविजंस एंड रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आज हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में और डायरेक्टर्स के लिए क्या रूल्स हैं जब उसको अपॉइंट किया जाएगा तो जब अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्टर्स का तो क्या क्या प्रोविजन्स क्या क्या रूल्स हैं? वो कंपनी को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से कंपनी में डायरेक्टर्स को क्या किया जाएगा

इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट होने का मतलब ये है कि कोई सिंगल पर्सन है वो सिंगल पर्सन ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा क्यों क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट करने के लिए आपको सिंगल पर्सन लगेगा यानी कि पर्सन लगेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक इंडिविजुअल पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे बेसिकली हमें यही देखना है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती कोई दूसरी कंपनी है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती कोई एसोसिएशन है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती यानी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं की जा सकती सिर्फ और सिर्फ कोई इंडिविजुअल पर्सन है वही डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है तो बेसिकली हम यही समझेंगे कि यहां पर कोई कार्पोरेट कोई बॉडीज कोई पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस ऐसे टाइप का कोई भी बिजनेस हो तो वो एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही एज अ डायरेक्टर वर्क कर सकता है अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स के हिसाब से देखें तो कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए सो so, बेसिकली हम यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे तीन टाइप की कंपनी का पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी And जो है तीन डायरेक्टर्स होने चाहिए सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर रन करना है तो आपको मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है और वो थ्री डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को रन करेंगे सेम उसी तरह से public लिमिटेड कंपनी कंपनी के बाद प्राइवेट में सो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट डायरेक्टरेंट क्राइटेरियामें अलग अलग मिनिमम रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी में थ्री डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में टू डायरेक्टर्स और वन पर्सन कंपनी में सिंगल डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट रूल्स की तरफ देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स So, अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर किसी कंपनी में कितने होने चाहिए सो so, जब मैक्सिमम की लिमिट की बात करें तो किसी भी कंपनी में मैक्सिमम जो है फिफ्टीन डायरेक्टर्स होने चाहिए 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि वो 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा रखना चाहता है तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही वो 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर बढ़ा सकता है सो तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत ही लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस करती है जब लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस करती है तो उनको ज्यादा डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को मैनेज करने के लिए उस केस में वो फिफ्टीन से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं बस उस को अपॉइंट करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन उसको मीटिंग में पास करना होता है और रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं बट बेसिकली अगर बात करें तो मैक्सिमम फिफ्टीन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर्स तो जो हमारे पास कंपनीज है वो कंपनीज के अंदर मिनिमम और वन पर्सन कंपनी में वन डायरेक्टर्स है उसी तरह से एक लिमिट रखी गई है कि जो पब्लिक कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर्स होना चाहिए और वो वुमेन डायरेक्टर्स भी जो है दूसरे डायरेक्टर्स की तरह से कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगी कंपनी को रन करेगी नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट वन डायरेक्टर वो स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट वन एटी टू डेज सो यहाँ पर क्या होना चाहिए जो भी डायरेक्टर्स हमने अपॉइंट किए वो डायरेक्टर्स जो है वो इंडिया में भी रहते हैं इंडिया के बाहर भी रहते हैं इंडिया में उनका आना भी होता है इंडिया से जाना भी होता है सो so, बिजनेस पर्पज के लिए बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है वो इंडिया में आते हैं जाते हैं यानी कि कंपनी में आते हैं और जाते हैं बट बेसिकली हमें ये देखना है कि जितने भी डायरेक्टर्स हमने अपॉइंट किए उनमें से कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा हो कि जो इंडिया में कम से कम 182 डेज होना चाहिए तो अगर हम बात करें कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम तीन डायरेक्टर्स हैं तो उन तीनों डायरेक्टर्स में से कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा हो जो इंडिया में कम से कम 182 डेज रहता हो तो 182 डेज का क्राइटेरिया है कि एक डायरेक्टर 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए वन डेज का बेसिक मतलब है कि एक साल में थ्री डेज होते हैं अगर उसका हम हाफ करें तो वन डेज हो जाता है सो तो बेसिकली हम बात करें तो ये वन डेज का मतलब सिक्स मंथ तो जो भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुए उनमें से कोई एक डायरेक्टर ऐसा हो जो छह महीने यानी डेज़ इंडिया में रहना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है एवरी लिस्टेड कंपनी शुड इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स सो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करेगा सो so, ऐसे कितने डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंटली अपॉइंट होंगे तो उस कंपनी के वन थर्ड डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जो इंडिपेंडेंटली कंपनी को क्या करें मैनेज करें उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती वो इंडिपेंडेंटली कंपनी को मैनेज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम ट्वेंटी कंपनीज एट द सेम टाइम So, एक डायरेक्टर है तो वो एक डायरेक्टर ऐसे कितने कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है सो so, एक सर्टेन लिमिट रखी गई है कि एक डायरेक्टर्स मैक्सिमम ट्वेंटी कंपनीज में काम कर सकता है एज अ डायरेक्टर बट ट्वेंटी कंपनी से ज्यादा कंपनीज में वो एज अ डायरेक्टर काम नहीं कर सकता यानी अगर एक पर्सन है जो एक कंपनी में डायरेक्टर है तो वो उसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है बट मैक्सिमम की लिमिट रखी है कि वो मैक्सिमम बीस से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं रह सकता मैक्सिमम ट्वेंटी कंपनीज में डायरेक्टर वो रहेगा लास्ट रूल इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इज टेन ओनली सो so बेसिकली हम बात करें कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो हमने इससे पहले वाले पॉइंट्स में देखा कि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम मैक्टी कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं और अगर कंपनी से थोड़ा सा एक्सपानशन करके अगर हम देखें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कोई भी डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर जो है मैक्सिमम टेन पब्लिक कंपनीज में ही डायरेक्टर बन सकता है टेन से ज्यादा पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता यानी कि एक डायरेक्टर बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है ट्वेंटी कंपनीज डायरेक्टर बन सकता है बट बेसिकली अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वो मैक्स टू मैक्स दस ही पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है इससे ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता सो so बेसिकली ये सारे रूल्स हैं किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए तो जब कंपनी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो ये सारे रूल्स को वो अपने ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन को कंसिडर करते हुए ही किसी डायरेक्टर को क्या करेगी अपॉइंट करेगी सो बेसिकली हमने देखा कि जब कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है तो ये सारे रूल्स को वो ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है थैंक यू फ्रेंड्स